आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। ये हमारे प्याज रेडी हो रहे हैं घी में, और इसके बाद हम डालेंगे चिकन। मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ नंबर वाइज। प्याज हमारे रेडी हो गए हैं, अब मैं इसमें डालेंगे अदरक, ग्रीन चिल्ली और थोम, मतलब गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हो गए, सब कुछ हो गया। अब इसमें डालेंगे टमाटर। ये बना रहे हैं हम अचार गोश्त। अभी इसमें टमाटर डाल दिए हैं, अभी हम इसको अच्छे तरीके से गलने देंगे। जब ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें इंशाल्लाह गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल लिए है, अब इंशाल्लाह गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अचार। ये जैतून से बना हुआ अचार है, यहाँ पे हमने अचार डाल देना है। ओके, अब इसको मिक्स करके खड़ा कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, ये एक चम्मच बनता है बड़े वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे कलवंजी, एक चम्मच बड़े वाला कलवंजी। अभी हम इसमें डालेंगे दही, माशाल्लाह। ना ना रोटी, ये देखिए माशाल्लाह। अभी इसमें हम ये हमने बनाया है अचार गोश्त, और इसमें 3 पाव आप दही डालेंगे, 3 किलो में 3 पाव दही डालेंगे, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा फाइनल लुक आ गया है। ये जो साइड पे घी आया हुआ है ना, इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि हमारा सालन तैयार है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ज़बरदस्त VIP। ये देखें कोई भी बोटी गली नहीं है, बिल्कुल साबुत बोटी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। बस वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपनी फैमिली में शेयर भी करें, रेसिपी को ट्राई लाजम करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।